और नंदीग्राम में ममता बैनर्जी के सामने बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में हैं। उनसे खास बात की आज तक संवाददाता पौलमी साहा ने। हमारे साथ इस वक्त शुभेंदु अधिकारी जी हैं। एक बड़ा रोड शो हुआ, गृहमंत्री खुद आए यहाँ पर आपके लिए प्रचार करने के लिए। शुभेंदु दा, आज आखिरी दिन है प्रचार का, कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? 200% यस। और जो आपने कमल खिलेगा इधर, आपने जो कहा था कि एक 50,000 के मार्जिन से आप हराएंगे, आज उस पे अभी भी कायम है? बीजेपी वर्कर के नाते उस बात बोला तो मेरा कैंडिडेट का ऐलान पार्टी नहीं किया। कैंडिडेट खुद कैंडिडेट होते हुए मार्जिन बोलना ठीक नहीं है। विश्वास रखना चाहिए वोटर मतदाता के ऊपर। ये लोग का साथ मेरा पर्सनल रिलेशन नंदीग्राम का लोग, आउट ऑफ पॉलिटिक, आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ क्रीड्स, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, 20 साल का संपर्क है। इसलिए इस बार मेरा सबका आशीर्वाद मिल जाएगा। आप ममता दीदी कह रही है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स को लाया जा रहा है, स्टेट आर्म्ड पुलिस आ रही है, सीएम उसकी दिमाग पूरा गड़बड़ हो गया, इलाज चाहिए दिमाग। आप कह रहे हैं कि कोई जो जिस तरह के इल्जाम वो लगा रही है शुभेंदु दा, जिस तरह के इल्जाम वो लगा रही है वो गलत है शुभेंदु दा? जिस तरह के इल्जाम वो लगा रही है, क्रिमिनल्स ला रहे हैं, पुलिस ला रही है दूसरे स्टेट से, झूठा बात बोलना उसकी आदत है, ये नया बात नहीं है। ओके, तो ये शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि ममता बैनर्जी जो कह रही है वो झूठी बातें हैं, इसका कोई असर नहीं होगा नंदीग्राम में जब यहाँ की जनता यहाँ से वोट करेगी 1 अप्रैल को। कैमरामैन साजिद आलम के साथ पौलमी साहा, नंदीग्राम आज तक। फिलहाल रुक रहे हैं हम एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक।